मोगा के गांव माला खुर्द में मानसिक रूप से बीमार एक युवक ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। बताया जाता है कि मृतक के हाल ही में बेटे ने जन्म लिया था, जिस पर उसका मानसिक रोगी बेटा इस कारण परेशान रहने लगा कि उसे अपनी जायदाद का हिस्सा अपने भाई को देना पड़ेगा, जिससे बिगड़े दिमागी संतुलन में आरोपी ने अपने ही बाप को मार डाला। दिमागी परेशानी थोड़ा हैगा सीगा, 20 साल तो बाकी ना जी बच्चे दौरान जखना छोटा भाई 40 साल दी उम्र च पैदा किया, मम्मा जी ने बच्चा एक होर कोई तो नाकाम हो गए सैट नहीं हो रहे थे, तो वो खार खा रहा जी कि मेरी जमीन जायदाद ये मालक बन के बह गया घरवाल का, सो वो खार नहीं जी यही डरते भी अज तक पिता की मौत प्यो ने भी यही अच्छ दसता जी कर सकता कल हम तो खतरा ही जी कार्रवाई होनी चाहिए है, पर्चा हो चुका जी। किन्नी जमीन का रौला सी? जमीन तो 2-2.5 किले है जी, बस फिर 3 भैन भाई है, भैन व्याही है जी, ये बच्चा मतलब कुड़ी व्याही तो बाद मतलब उन्होंने नहीं मुजरिम की गिरफ्तारी हो गई कि? हाँ जी गिरफ्तारी हो गई है जी। की कारण रहे जी कतल दे? कतल का कारण जी बस यही है मतलब जो मुंडा सी जी थोड़ा दिमागी अफसर सी जी, तो उन्हें इस तरह दिमागी अफसर होने करके अपने जो फादर सेगा वो सिर घोटा मार के मतलब कतल कर दिता जी, मौके से मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा आगे की जांच शुरू कर दी है। जागती लड़के लिए मोगा से सूरज मित्तल की रिपोर्ट।